चलो तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, 100 कोप्लेनर फोर्सेस ईच इक्वल टू 10 न्यूटन। 100 फोर्सेस है, हर एक के मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ईच फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 50 विथ एडजेसेंट फोर्स। मतलब टोटल 100 फोर्स है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है F1 वेक्टर, सेकेंड फोर्स इस डायरेक्शन में है, आपको बोला है कितना एंगल है दो एडजेसेंट फोर्स के बीच में, पाई बाय 50। मैं पाई बाय 50 को कन्वर्ट कर रहा हूं डिग्री में, चल पाई बाय 50 रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई पाई कट करो 18 बाय 5, 3.6 डिग्री आया। मतलब जो आपके पास 100 फोर्सेस है ना, वो सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे से 3.6 डिग्री पे है, ऐसे समझ में आ रहा है। टोटल 100 फोर्सेस है, क्लियर। एक मस्त छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, क्या करना है बेटा कि टोटल 360 डिग्री एंगल होता है, आपके पास दो फोर्स है, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड 10 10 न्यूटन है, तो 360 को 2 से डिवाइड कर दो 180 डिग्री। तो अगर ये दो फोर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 बन जाएगा। समझ में आया। एक और, अगर मान लो आपके पास टोटल तीन वेक्टर है 10 10 10 न्यूटन वाले, तो 360 को 3 से डिवाइड करो 120 डिग्री। तो अगर ये तीनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 120 120 है, तो ये तीनों एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट बोलो नेट फोर्स बोलो, 0 आएगा। एक और, अगर आपके पास चार वेक्टर है तो 360 बाय 4, तो अगर चारों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे है, तो देखो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में ना फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स 0 आएगा। समझ में आ रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट, लास्ट, ऐसे 5 ले रहा हूं, 6 ले रहा हूं, 7 ले रहा हूं, 8 ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन पे आ रहा हूं। टोटल 100 फोर्सेस दिए हैं 360 बाय 100, तो अगर ये 100 फोर्सेस एक दूसरे से 3.6 डिग्री एंगल पे है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। एंड यहां पे वही तो दिया था। समझ में आ रहा है। एक्चुअली बेटा यहां पे ऐसा होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में तो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगा, एक फोर्स एक फोर्स एक फोर्स एक फोर्स एक फोर्स एक फोर्स, तो सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया।